हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं लुलु, आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पोंडा ड्रेमिकर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ऑफसाइट के बारे में समझाने वाले हैं। पिछला एक वीडियो बनाया था, एक नहीं बहुत सारे वीडियो बनाया था, कुछ भाई लोग को समझ में नहीं आता है, तो ये वीडियो से जरूर उनको समझ में आ जाएगा और आप लोगों को भी। तो बिना देरी करते हुए सीधे चलते टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, जब रेल में ऑफसाइट करता था उसका मेजरमेंट पहले ले जाता था, उसके बाद जाकर उसका फॉर्मूला बनाता था। ओके, पहले कुछ इसके लिए यूज करेंगे 200x100 का ट्रे प्रिंट। तो इसका देख सकते हैं, वाइड होता है 200 और हाइट होता है 100। दोस्तों, यहां पर हम 200x100 mm का परफोरेटेड ट्रे के लिए मेजरमेंट निकालेंगे। तो दोस्तों, कुछ लोगों का भी कंफ्यूजन होता है 100x200 तो किसको मतलब बेंड बनाना है, किसको कटिंग करना है। इसमें 100 का कोई भी रोल नहीं होता है। अगर आपको वर्टिकल बेंड ऊपर को करना है या नीचे को करना है, जिसको राइजर बेंड भी बोला जाता है, उसमें 100 का रोल होता है। ओके, इसमें कुछ भी 100 एमएम का भूमिका नहीं है। देखिए, ये ट्रे इनके सीधा से इधर जा रहा है, तो ये भी उधर जाने वाला है। तो यहाँ पर हम इसको राइट साइड पकड़ लेते हैं, ये होता है राइट साइड। ओके, इसका इसको भी करना चाहिए राइट साइड। ओके, हमको राइट साइड से ये राइट साइड लेना है, ना कि लेफ्ट साइड। ओके, ये एल है, ये एल है। लेफ्ट साइड से मेजरमेंट लेते हैं तो लेफ्ट साइड को आपको भी मेजरमेंट लेना है। तो यहां पर मैं कैसे लेता हूं, मैं इधर तक ट्रे आया हुआ है, ठीक है। यहां पर कुछ भी मैं एक स्लॉटेड चैनल कुछ भी डाल देता हूं, जैसे कि इधर तक आना चाहिए, जो कि मैं स्ट्रेट मेजरमेंट ले सकूं। दोस्तों, कभी भी आप ऑफसाइड का मेजरमेंट लेने जाते हैं तो आपको पहले एक ड्राइंग बना दीजिए। ड्राइंग बनाने के बाद आप देख सकते हैं, ये एक नंबर लिख दिया, इसका जो कितना लेफ्ट साइड को या राइट साइड को ऑफसाइड मान है वो लिख लीजिए। ओके, दूसरा नंबर में ये आता है, ये ऑफसाइड से हमारा इसका दूरी कितना होता है। ओके, वो ले लीजिए। तीसरा होता है ये वाला। ओके, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और लास्ट में ये लेना है आपको फाइनल टोटल कितना है हमारा ऑफसाइड। ओके, ऑफसाइड कितना चाहिए, ये चाहे तो आप ले सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये की साइड से आपको जब ऑफसाइड मतलब रहता है कि आगे में ट्रे लगा के लेके जाना है उधर डकल डकल के, तो आप इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, चलेगा। लेकिन इसका मेजरमेंट जरूरी है, इसका मेजरमेंट निकालने के लिए हमको इसका भी मेजरमेंट लेना चाहिए। तो हम ऐसा अभी ग्राउंड से कैसे लेके आएंगे मेजरमेंट, वो भी बताएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं ट्रे को इधर से इधर तक लेके आया, यहाँ पर छोड़ दिया, और उधर से उधर ये वाला ट्रे भी आके है। हम इसके अंदर में ऑफसाइड आपको करके दिखाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम अभी ये वाला जो पहले एक नंबर वाला, इसका मेजरमेंट लेंगे। तो देख सकते हैं, मैं इसका लेफ्ट साइड लिया हूँ, ये साइड से लेफ्ट साइड लिया हूँ। तो इसका मेजरमेंट होता है 400 mm। ओके, उसके बाद तो सेकंड में आता है इसका ये कितना है। हम तो ये निकालने के लिए हम तो इधर ऐसे बना दिया, लेकिन जब ग्राउंड में जाएंगे तो ऐसा नहीं रहेगा, और कुछ डिफरेंट टाइप का हमको मेजरमेंट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो टोटल होता है एक ट्रे का एंड से एंड को देखिए, मैं एक एंगल डाल के
कुछ भी स्लॉटर चैनल कुछ भी ऐसा डाल दीजिए और इसको भी चेक कर लीजिए, ये राइट एंगल में है या नहीं है, ओके, और ये स्ट्रेट में है या नहीं है। वो चेक करने के बाद आपको ये मेजरमेंट लेना है, ये इनके से 610 है, इधर लिख दिया मैं 610 mm, तो उसमें से हमको ये वाला निकालना है, अभी 3 नंबर वाला निकालना है। हम क्या करेगा अभी, तो हम 610 से 155 माइनस करेंगे, ओके, अभी इधर 610 155, ओके, ये 10 से 5 जाएगा तो 5, ये 0 हो गया, 0 10 ओके फ्रेंड्स, अभी ऑफसेट जो है हम बनाएंगे 400 by 455 mm का, तो इसका मेजरमेंट देख सकते हैं, ये टोटल हो गया 610 mm, 610 और ये 155 जो कि तीसरा नंबर है, 400 है एक नंबर वाला, ओके, बाद में लास्ट में ये आता है ये कितना है, ये 455 है। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है और इसका एंड स्क्रीन में भी इसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक जो है मैं पिन कर दूंगा और चाहे तो आई बटन में, तीनों में मैं दे दूंगा, जरूर इसको देखना। और अच्छा लगे तो ये मेजरमेंट वाला वीडियो आप जरूर लाइक करना और हमको कुछ कॉमेंट में बताना चाहते हैं तो कॉमेंट भी आप कर सकते। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए और फिर मिलेंगे ऐसे और एक नई टेक्निक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बिता लेना चाहते हैं।